फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सऊदी अरब और भारत की बढ़ती दोस्ती की ये तस्वीरें हैं जो योग के अनंत काल तक अमर रहने की गवाही हैं। योग को लेकर बेकार का ज्ञान देने वालों की कमी तो नहीं है, लेकिन भारत ने योग को लेकर जो झुकाव शुरुआत से दिखाया उसकी पहचान अब पूरी दुनिया में हो रही है। सऊदी अरब में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक पहला योग फेस्टिवल आयोजित किया गया। देश के पहले योग उत्सव में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब के 1000 से अधिक लोग इस किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी के जुमान पार्क में एकजुट हुए। ये कार्यक्रम सऊदी योग समिति द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सऊदी योग समिति के योग शिक्षकों और बोर्ड सदस्यों की भागीदारी देखी गई। ये एक सरकारी निकाय है जो सऊदी अरब ओलंपिक समिति खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एक छोटे संघ की तरह काम करता है। 16 मई 2021 को सऊदी अरब में योग को बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया था। तब नौफ अल मरवाई को इस निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 2021 में योग दिवस पर सऊदी योग समिति सहित आयुष मंत्रालय और खेल मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के इतिहास में योग पर सऊदी अरब और भारत के बीच ये पहला समझौता था। योग फेस्टिवल में योग आसनों, विभिन्न रूपों और ध्यान की कला से विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत लॉन में योग कक्षाओं से हुई। मुरली कृष्णन ने वेस्को का नेतृत्व किया, जबकि सारा अलमोदी ने बच्चों को गाइड किया। रियाद में भारतीय दूतावास और जिद्दा में वाणिज्यिक दूतावास के अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय महावाणिज्य दूत शाहिद आलम और मारवाई ने युवा योगी आरव प्रदीशा को सम्मानित किया, जिन्होंने सऊदी अरब द्वारा आयोजित एशियाई खेलों में हमारी पहली भागीदारी में पदक जीता था। वो सऊदी अरब के भारतीय निवासी हैं, जो सऊदी योग समिति के टीम सदस्य हैं। भारतीय मुस्लिम योग शिक्षक इरूम खान ने भी उत्सव में भाग लिया। वो 2008 से सऊदी अरब में पढ़ा रही हैं। जेद्दा में दो प्रसिद्ध योग शिक्षक दाना अलगोसैबी, एक सऊदी नागरिक, और एक लेबनानी नताली क्रीडे भी मंच पर रही। सऊदी और अंतर्राष्ट्रीय योग गुरुओं और व्याख्यानों के एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान 8 घंटे से अधिक ये पेशकश भी की गई थी। वाकई में जिस तरीके से योग का अब प्रसार हो रहा है, उससे अब दुनिया का कोई भी देश अछूता रहना नहीं चाहता, क्योंकि अब हर किसी को ये मालूम हो चला है कि करे योग और रहे निरोग। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।